दुपारी तीनच्या बातम्यांमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच काश्मीरमधली एक ब्रेकिंग बातमी येते. काश्मीरमध्ये आणखी एका दहशतवाद्याचा खात्मा करण्यात आलेला आहे. सोपोरमध्ये चकमक अजूनही सुरू आहे. सकाळपासून एकूण 4 दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातलेलं आहे. आता जी सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आहे, काश्मीरमध्ये सकाळपासूनच चकमक सुरू आहे. ही चकमक अजूनही सुरूच आहे. सकाळपासून आत्तापर्यंत 4 दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातलेलं आहे. मग काही वेळापूर्वीपर्यंत 3 दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातल्याची माहिती मिळत होती, मात्र काही वेळापूर्वीच एका दहशतवाद्याला कंठस्नान घातलेलं आहे. त्यामुळे सकाळपासून 4 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यामध्ये सैनिकांना यश आलेलं आहे, भारतीय जवानांना यश आलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि थेट जम्मू काश्मीरमधून आपले प्रतिनिधी श्रीनगरमधून रिफत अब्दुल्ला आपल्या सोबत आहे. रिफत जी, क्या कहना चाहेंगे, आपके हालात कहाँ है, कैसे है वहां के? देखिए, अभी 4 मिलिटेंट मारे गए जैसा आपने कहा, कुल मिला के अभी सुबह से लेके अभी तक, क्योंकि 3 मिलिटेंट पहले ही मारे गए थे मॉर्निंग में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में. वो HMK थे और उसमें से एक शौकत नाम का मिलिटेंट है. बताया जा रहा है कि वो आर्मी जवान जो औरंगजेब मारा गया था, उसको पहले किडनैप किया गया था, उसकी जो है उसमें भी शामिल है जो उसकी किलिंग हुई थी. और ये अभी जो एक और मिलिटेंट मारा गया, ये सोपोर एरिया में मारा गया, ये नॉर्थ कश्मीर में है. कुल मिला के आज कल रात से लेके सुबह तक जो है 2 एनकाउंटर शुरू हुए थे और दोपहर में एक और एनकाउंटर हुआ. अभी 3 जगहों पे आज एनकाउंटर्स हुए, एक नॉर्थ कश्मीर में और 2 साउथ कश्मीर में. एक पुलवामा में, पुलवामा में 3 मिलिटेंट मारे गए. और जो अनंतनाग का एरिया है वहां पे भी एनकाउंटर शुरू हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां पे मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गए. लेकिन सोपोर में बताया जा रहा है शायद अभी 1 से 2 मिलिटेंट और हो सकते हैं. तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पिछले 48 घंटे में अभी तक 10 मिलिटेंट मारे गए हैं कश्मीर घाटी में. बिल्कुल, शुक्रिया रिफत जी आपने दी हुई जानकारी के लिए. अपन बघितलं श्रीनगरवरून थेट आपले प्रतिनिधी रिफत.